एक लड़का एक दुकान के सामने टेलीफोन बूथ पर गया और एक नंबर डायल किया। दुकान के मालिक ने देखा और बातचीत सुनी। लड़का बोला, मैडम मैं एक गरीब लड़का हूँ, क्या आप मुझे अपने लॉन में घास काटने का काम दे सकती हैं? फोन लाइन के दूसरे छोर पर मौजूद महिला ने जवाब दिया, मेरे पास अपना लॉन काटने के लिए पहले से ही कोई है। लड़के ने फिर कहा, मैडम मैं आपका लॉन उस व्यक्ति से आधी कीमत पर काटूंगा जो अभी आपका लॉन काट रहा है। महिला ने उत्तर दिया, मैं उस व्यक्ति से बहुत संतुष्ट हूँ जो अभी मेरा लॉन काट रहा है। उस लड़के ने थोड़ा और जोर देकर कहा, मैडम मैं आपके घर का फर्श और सीढ़ियाँ भी मुफ्त में साफ कर दूंगा। महिला ने जवाब दिया, नहीं धन्यवाद। चेहरे पर मुस्कान के साथ छोटे लड़के ने फोन रख दिया। स्टोर मालिक जो यह सब सुन रहा था लड़के के पास गया और कहा, बेटा मुझे तुम्हारा रवैया पसंद आया, मैं तुम्हें नौकरी देना चाहता हूँ। लड़के ने जवाब दिया, नहीं धन्यवाद। स्टोर के मालिक ने हैरान होकर उससे कहा, लेकिन अभी तो तुम नौकरी के लिए विनती कर रहे थे। लड़के ने कहा, नहीं सर मैं बस उस नौकरी में अपनी परफॉर्मेंस चेक कर रहा था जो मेरे पास पहले से है। मैं वह हूँ जो उस महिला के लिए काम कर रहा हूँ जिससे मैं बात कर रहा था। निष्कर्ष, अपने काम में वफादार और मेहनती बने। आप पाएंगे कि इरिप्लेसेबल होना ही सबसे बड़ी जॉब सिक्योरिटी है। गाइस कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना।